तो देखिए दोस्तों, बाबा जी कैसे लोगों का कल्याण कर रहे हैं और बाबा जी का यही आशीर्वाद है। बाबा जी बस आशीर्वाद देते हैं और सब लोग ठीक हो जाते हैं। इतने श्रद्धालुओं का यहाँ भीड़ है दोस्तों। ये मुकेश बाबा का नया आश्रम अभी है, ये सोनभद्र में खुला हुआ है। सोनभद्र के लोहरा गांव में अभी है यह आश्रम खुला हुआ है। यहीं बाबा अपना इलाज कर रहे हैं। देखिए कितने संख्या में भीड़ लगा हो रहा है यहाँ पर। और जो ये येलो कलर का बोर्ड देख रहे हैं, यही बाबा के आश्रम में जाने का रास्ता है। चलिए हम चलते हैं, थोड़े समय में आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। यह गेट है, ये अंदर जाने का रास्ता है। यहीं से आश्रम के अंदर जाया जाता है कि ये कितनी संख्या में लोग हैं यहाँ पर। कई कई दिन का इंतज़ार करते हैं यहाँ पर लोग आकर के बाबा से मिलने के लिए, कि इंतज़ार कर रहे हैं, अपने अपने स्थान ग्रहण करे हुए हैं यहाँ पर। ये आश्रम के अंदर का सीन है। देखिए कितना संख्या में भीड़ लगा हुआ है। यही है बाबा का आश्रम, यहीं से बाबा अपने सबको देखते हैं, इलाज करते हैं। सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, सजा के मानना है सभी को, आस्था है सभी में बाबा के प्रति। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, देखने के लिए कैसा स्थान है, ये कितना भीड़ लगा हुआ है। सभी लोग लाइन में खड़े हुए हैं, अपने पारे का इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग बाबा से मिलने के लिए। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो में कितना भीड़ लगा हुआ इस माध्यम से। हमारा ये कहना है कि जितना भी श्रद्धालु है, अभी हमारे पास जो आश्रम है तो अभी एरिया कम है और पब्लिक ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास पूरे हिंदुस्तान का आदमी आ रहा है, एमपी महाराज पूरे हिंदुस्तान का आ रहा है। इसके लिए हम ये ऐलान कर रहे हैं कि जो पहले एक दिन बंद रहता था शनिवार को, तब शनिवार और शुक्रवार और शनिवार, क्योंकि दो दिन हमको टाइम चाहिए हर हफ्ता में आश्रम का काम करने के लिए, क्योंकि पब्लिक इतना आ रहा है लाखों में कि इसके लिए अभी जगह नहीं मिल पा रहा हमारे पास। तो दो दिन बेटा बंद रहेगा आश्रम, शुक्रवार और शनिवार, इसके बाद बाकी हर दिन चालू रहेगा। आश्रम का काम हो रहा है, बाकी कोई बात नहीं है। अभी बाकी जो भी पब्लिक हमारे पास इतना है कि जगह नहीं रह गया है। पब्लिक से सहयोग चाहिए कि शांतिपूर्वक पब्लिक से हमारा यही सहयोग करे कि एक एक दिन में अब बारी बारी से आइए। अभी तो ऐसा तीसरा दिन है हमारे आश्रम का, लेकिन अभी लाखों लाख का भीड़ हो रहा है। आप लोग एक सिस्टम बनाइए बेटा, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। अभी एक एक लाख पब्लिक और हम कहाँ इनको बैठा है, क्या करे। आप लोग बारी बारी से आइए, इतना मत हो, ये सबका कल्याण करने के लिए हम आए हैं और कुछ दिन के ही लिए रहेंगे, इसके बाद हम अपने जगह पर जाएंगे कुछ दिन के बाद। बीमारी देखिए दोस्तों, बाबा जी सिर्फ एक बार आशीर्वाद दे रहे हैं और जनता का मानना है कि सब लोग सही हो जा रहे हैं। चलिए देखिए बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं और सब लोग यहाँ से खुशी मन से जा रहे हैं। जो लोग कुछ मांगते हैं या बीमार रहते हैं उनका कल्याण करते हैं बाबा जी। रुकिए रुकिए, जो गाड़ी का चोरी कर आयल है आपका छाया बैठिए। हाँ कल कल आप बोल रहे हैं, कल 9 बजे बुलाया गया है। 9 बजे आइएगा, कल 9 बजे।
देखो भैया दीदी, गोपालगंज के जितना जिला के है वो आने को कष्ट करे, जिसका बाल बच्चा नहीं है वो भी आओ, जिसका दुख है वो भी आओ। सोनभद्र में बाबा के आश्रम खुल चुकी है, बाबा आशीर्वाद देता नहीं आवे के कष्ट करी लो पढ़ना। यही है सोनभद्र में लोहरा गांव में जाने का रास्ता, वही बाबा के आश्रम में जाने के लिए। देखिए कितनी संख्या में लोग बाबा के आश्रम में जा रहे हैं। यही है रास्ता वो जिससे बाबा के आश्रम में जाया जाता है। कितनी संख्या में लोग जा रहे हैं श्रद्धा लेकर। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।